यह जनरल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शिक्षण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल होम। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग का M10 है, ये मॉडल नंबर इसका M10 है। और इसमें से हम FRP लॉक को बहुत ही ईजीएस्ट मैटर से रिमूव कर देंगे बिना किसी ऐप के। आपको सिर्फ एक क्विक शॉट का ऐप चाहिए होगा और कोई भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको सिम वाला मेथड यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो पहले तो ये पैटर्न शो करता है और ऊपर लिखा होता है अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप जीमेल अकाउंट से सीधे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर उस पर यूज़ टू जीमेल अकाउंट पर असिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफिकेशन योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और नीचे जीमेल अकाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है, कीवर्ड के सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद कीवर्ड लेआउट एंड फीडबैक के अंदर जाना है, फिर ऊपर जो एरो है उस पर क्लिक करना है सिर्फ एक बार। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर से बैक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ गूगल वॉइस टाइपिंग आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का सर्च करना है आपको एम ए सर्च करेंगे, यहाँ पे देखते हैं मैनेज पेंडिंग रिसर्चेस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखते हैं मैनेज पेंडिंग रिसर्चेस का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, बीच में सर्च का ऑप्शन है तो सर्च पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको क्रोम सर्च करना है, क्रोम सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है atex.com/quick1। ठीक है, atex.com/quick1, ये आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। सो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं हमारी ये वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे आप सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दो लिंक्स दे रखी है, तो सर्वर 2 से डाउनलोड कर लीजिए, मीडिया फायर का लिंक है, यहाँ से आपको क्विक शॉट डाउनलोड कर लेना है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर जहाँ से आपने क्रोम सर्च किया वहाँ पे अगर आप सेटिंग भी सर्च करते तो भी डायरेक्टली आप सेटिंग के अंदर जाके भी आप काम कर सकते थे, आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सो गाइस, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पहले प्रोसेस की थी जहाँ पे हमने क्रोम सर्च किया था, वहाँ पे अगर हम सेटिंग भी सर्च करते तो भी हम आसानी से खोल सकते थे। उस टाइम पे मेरे को दिमाग में नहीं आया, मैं भूल गया था। तो आप वहाँ से सेटिंग डायरेक्टली सर्च करके भी खोल सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक में चले जाना है, यहाँ पे आप जो फेस रिकॉग्निशन में चले जाना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपको शो कर रहा है कि आप पैटर्न लॉक या पिन लॉक या पासवर्ड सेट कीजिए, तो मैं पिन सेट करूँगा छोटा सा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ओके, सो गाइस हमने पिन सेट कर दिया। अब यहाँ पे अपना फेस कहेगा कि फेस देना है हमें, फेस लॉक लगाना है तो फेस के लिए वो करेगा, तो मैं नो कर देता हूँ, बैक कर लेता हूँ उसको। बैक करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए इसको, हमें कुछ भी नीचे बैक कर लीजिए इसको भी। अब सबसे बैक आ जाइए, सबसे बैक लास्ट में जहाँ पे थे आप, जहाँ से आपने प्रोसेस किए वहाँ पे आ जाइए। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग एकदम बैक आ चुके हैं। इसका नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद स्किप कीजिए, स्किप करने का नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट रखना है अपने फ़ोन को। फिर यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहाँ पे पैटर्न लॉक शो कर रहा था वहाँ पे पिन लॉक शो करेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे पिन लॉक शो कर रहा है। तो आपको 1 2 3 4 डाल के डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका गूगल अकाउंट था वो हट जाएगा और सीधे आप स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, और ये नहीं तो नया जीमेल अकाउंट डालने का ऑप्शन भी आ जाएगा। देख सकते हैं आप स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम स्किप के ऊपर क्लिक करते हैं। सो स्किप के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे, जो आपका सैमसंग का M10, M20, M30 कोई भी मॉडल हो उसमें आप इस मेथड का यूज़ करके आसानी से FRP लॉक को बाईपास कर सकते हैं विदाउट PC। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आई हो। अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।